बीते दिनों G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा की गई। इस कॉरिडोर की मदद से भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, ग्रीस और यूरोपीय यूनियन समेत 18 देशों को फायदा पहुंचेगा। सैकड़ों अरब डॉलर की इस परियोजना को चीन के BRI इनिशिएटिव का जवाब भी माना जा रहा है और उसके विस्तारवादी रवैये को रोकने की काट भी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेसिकली ये हम सब जानते हैं कि आज का जो विश्व है वो कैपिटलिज्म का समय चल रहा है और हर देश, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सब देश की एक ही इच्छा है कि हम आर्थिक रूप से अपने आप को किस प्रकार से मजबूत करें। और मुझे लगता है कि अभी भारत का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं या जिनके द्वारा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को विश्व के साथ अपनी जो एक अर्थव्यवस्था है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या तकनीकी का हो, हर मामले में एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर तकरीबन 6000 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग भी शामिल है। अगर इस कॉरिडोर के रूट को देखें तो ये बेसिकली तीन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा समुद्री मार्ग से मुंबई से UAE के जेबल अली तक जाता है। इसका अगला पड़ाव रेल नेटवर्क के जरिए सऊदी अरब और जॉर्डन से इजराइल के हाफिया पोर्ट तक होगा। वहीं इस कॉरिडोर का तीसरा हिस्सा हाफिया पोर्ट से ग्रीस में पीरियस होते हुए यूरोपीय यूनियन में एंटर करेगा। जहां से ये कॉरिडोर गुजरेगा उसे प्राचीन काल में मसाला मार्ग या स्पाइस वे भी कहा जाता था। मसाला व्यापार के लिए व्यापारी भारत से यूरोप जाते थे और इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। अब चूंकि उसी रास्ते में चीन और पाकिस्तान भी है और भारत के साथ इन दोनों ही देशों के रिश्ते बेहद खराब हैं, वहीं कोरोना के बाद ग्लोबल सप्लाई सिस्टम के फेल्योर और चीन की संदिग्ध भूमिका की वजह से भी यूरोप के देशों को एक आर्थिक गलियारे की जरूरत थी। इसी वजह से इस कॉरिडोर को बनाने का फैसला लिया गया। भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी। ऐसे में ये जो कॉरिडोर है उसके जरिए भारत और यूरोप के बीच व्यापार कम से कम 40% आगे बढ़ेगा। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। इतना ही नहीं, ये कॉरिडोर भारत और अरब देशों के बीच संबंधों को भी मजबूती देगा। वहीं एनर्जी और डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए इसमें शामिल देशों में समृद्धि बढ़ने के साथ ही ये प्रोजेक्ट लोअर और मिडिल इनकम वाले देशों में विकास के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी को भी दूर करेगा। हालिया दौर में हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट भी खुद को बदल रहा है और वो तेल पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी का महत्व भी काफी बड़ा है। इस लिहाज से देखें तो ये कॉरिडोर भारत, मध्य पूर्व और यूरोप तीनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। हालांकि अभी इसके निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। विशेषकर मध्य पूर्वी देशों में रेल मार्गों की कमी एक बड़ी समस्या है। वहीं रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होगी। जब भी इस प्रकार की कोई भी इनिशिएटिव कोई भी देश लेता है तो ऑब्वियसली कि जो उसमें पहले से जो पुराने जो एस्टेब्लिश देश अपना एक हेजोमनी बना के रखते हैं, ऑब्वियसली कि वो हमेशा इसको विफल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारत उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तत्पर है कि हमें इस रूट को लेके जाना है। एक विज़न है, एक ऑब्जेक्टिव है, और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखेंगे तो आज के डेट में ऐसा विश्व का कोई देश नहीं है जिसकी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर ना हो, क्योंकि आज के डेट में सेल्फ ऑटोनॉमी कोई स्टेट नहीं है अर्थव्यवस्था के मामले में। तो मुझे लगता है कि भारत के पास उतने संसाधन हैं, उतने फॉरेन पॉलिसीज़ में उसके डिप्लोमेटिक MOU हैं जिसके माध्यम से अगर इस प्रकार की चुनौती आएगी तो उसको बड़े आसानी से और पॉजिटिव तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति सॉफ्ट पेनिट्रेशन की रही है। ऐसे में इस कॉरिडोर के जरिए आने वाले समय में दुनिया में एक नई व्यवस्था कायम होगी जिसमें भारत अहम भूमिका निभाएगा। हम पूरी ताकत से अपनी बात रखेंगे और दुनिया में अपनी
जगह भी बनाएंगे।